ये नए वुल्फ हाइकिंग शूज बहुत अच्छे हैं सर, आपकी पसंद लाजवाब है। अब मैं आपको इन जूतों की खूबियों के बारे में बताता हूँ सर, आप देखिएगा। देखा, ये देखिए, ये वाटर प्रूफ है। और देखिए इनकी सिलाई कितने शानदार है। और इनकी सबसे अच्छी बात है कि इन्हें पहनकर दीवार पर चला जा सकता है, आप चाहें तो किसी के घर को तोड़ भी सकते हैं। अब मैं इनकी कीमत बताता हूँ, इनकी कीमत है सिर्फ 999 रुपए, सिर्फ 999। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मेरे पास। आपके पास पैसे नहीं है? नहीं। कहाँ से आ गया भिखारी कहीं का? चल भाग यहाँ से, तेरी बुरी नजर से मेरे जूते खराब हो गए तो। भिखारी कहीं के, खबरदार जो मेरे रास्ते में दोबारा आए तो। चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से भिखारी कहीं के। क्या हो रहा है ये सब? एक भिखारी ने मेरा समय बर्बाद कर दिया, ये अच्छी शुरुआत नहीं थी, अब मैं क्या करूँ। हेलो जूनियर मास्टर बिट्टू, आओ आओ, आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो। मुर्गी चाची मुझे सोने का अंडा देंगी? हाँ जूनियर मास्टर जरूर। अब मुझे पापा के लिए, मम्मी के लिए और अपने लिए 3 हाइकिंग शूज खरीदने हैं। मास्टर बिट्टू तुम हैंडसम ही नहीं बल्कि बहुत ही समझदार भी हो। तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इन्हें पैक कर देता हूँ। मैं बहुत जल्द ही अमीर बन जाऊंगा, उसके बाद कोई भी मुझे नीचा नहीं दिखा पाएगा। हाय हैंडसम, अरे तुम्हारे शैम्पू की खुशबू तो दूर से ही आ गई। हाय गट्टू, मैंने तुम्हें मोटापा कम करने की जो जड़ी बूटी दी थी वो तुमने खाई? अरे यार उसकी तो बात ही मत करो, उससे तो दस्त होती रही रात भर। अच्छा सुनो, जब जंगल जाओ ना जड़ी बूटियाँ लेने के लिए तो सावधान रहना, क्योंकि ये फोटो देखो, ये बहुत खतरनाक है, जेल से भाग गया ये। वेरिएंट व्हाइट बैट? हाँ, व्हाइट बैट अक्सर जंगलों में पहाड़ों में ही रहते हैं। उनके खून में एक तरह का वायरस होता है जो लोगों की जीन्स के अंदर चला जाता है। यदि उसने तुम्हें काट लिया तो वायरस तुम्हारे खून के अंदर चला जाएगा और तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे बदलाव आएंगे कि तुम्हें काटते ही वो मर जाएगा और तुम एक खतरनाक मॉन्स्टर बन जाओगे। हाँ, ऐसा मॉन्स्टर जिसके पास हो अथाह शक्ति। अथाह शक्ति वाला मॉन्स्टर? तो दोस्त सावधान रहना, वैसे तो तुम समझदार हो ही, है ना? बाकी लोगों को बता के आता हूँ। बाय बाय। ओके बाय। यदि मेरे पास ताकत होती तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता और कोई मेरा अपमान नहीं करता। बिल्कुल सही, व्हाइट बैट। मुझे व्हाइट बैट को ढूंढना चाहिए। गुफा। क्या हुआ? मुर्गी चाची चली गई। मुर्गी चाची, मुर्गी चाची। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रिंसेस कॉम्पिटिशन लाइव शो में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं प्यारी प्रिंसेस रोज से, खूबसूरत स्नो व्हाइट से और बेहद सुंदरी प्रिंसेस बैकी से। लोगों ने जिस प्रिंसेस को सबसे ज्यादा वोट दिए हैं उनका नाम अब आपको पर्दे पर दिखाई देगा, तो देखिए ऊपर। और उनका नाम है स्नो व्हाइट। बधाई हो स्नो व्हाइट को। और अब हम स्वागत करते हैं हमारे लक्की ऑडियंस का, जो हमारी प्रिंसेस को कप देंगे। और वो है, देखिए वो हमारी ओर आ रहे हैं, और वो है सेल्फ क्लेम्ड प्रिटी एंड व्हाइट पिग, द मोस्ट लक्की ऑडियंस, हमारा प्यारा गट्टू। मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने आपका थंडर चुरा लिया था। ठीक हाँ?
ठीक है, मैं समझ गया, मुझे आपको इनाम देना है और वो है द सुपर प्रिंसेस लॉलीपॉप। ये लीजिए। शुक्रिया, शुक्रिया आपका। मास्टर प्रिंसेस को उठा ले गया। बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। खोपड़ी और मैंने पूरा हेन हाउस छान मारा है, हमें वहाँ पर ऐसा कोई भी पैर का निशान नहीं मिला जिससे पता चले कि वहाँ मॉन्स्टर आया था। इससे तो यही पता चलता है कि वो मॉन्स्टर उड़ सकता है। ये वही मॉन्स्टर हो सकता है, मेरा मतलब है बैट मॉन्स्टर, क्योंकि वो मॉन्स्टर उड़ सकता है। हाँ, ये वही मॉन्स्टर था। बैट मॉन्स्टर जानते हो बहुत लंबा होता है और उसके पंख इतने लंबे होते हैं। हमें तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं है, जाओ जाकर कमरा साफ करो और यहाँ का फर्श भी। बड़ा आया होशियार चल। बस अच्छे दिन आने वाले है। हाँ, किंग स्नो ने फेसबुक में पोस्ट किया है कि उनकी बेटी स्नो व्हाइट को ढूंढने वाले को बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। बॉबी, क्या हम पैसों के लालची दिखते हैं? ना, मेरा मतलब नहीं 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 बॉस, बिल्कुल नहीं। मूर्ख, मुझे सिर्फ मेरे फेसबुक पर अपने फॉलोअर्स की संख्या से मतलब है, पैसा कोई मायने नहीं रखता। और सुनो, ये मत बोलो हम यहाँ के रहवासी और उनकी संपत्तियों की रक्षा करने वाले सिपाही हैं। सुनकर कितना अच्छा लग रहा है बॉस, मुझे अपने आप पे शर्म आ रही कि मैंने ऐसा सोचा कैसे। आनी भी चाहिए, वैसे अच्छा होगा यदि ज्यादा फॉलोअर्स के साथ साथ ज्यादा पैसे भी मिले। बॉस, अब मुझे शर्म नहीं आ रही है। हमें व्हाइट स्नो पैलेस जाना है, तुम बकवास मत करो और चलो। यस बॉस। बोबो, खोपड़ी, तुम दोनों यहीं रहो। बाबी, चलो मेरे साथ। यस बॉस। मुंह फूटते फूटते बच गया। अरे, तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, मैं तो कार साफ कर रहा था, आप खुद ही मुझे यहाँ उठा लाए। तो तुम यहीं रुक कर कार साफ करो। बॉबी, चलो अंदर। बॉस। आप पागल हो गए हैं क्या? उस स्नो व्हाइट के लिए 10 सोने के सिक्के, ऐसा उसमें क्या है? वो मेरी बेटी है, उसे ढूंढने के लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। क्या कभी आपने मेरे बारे में सोचा? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? महारानी जी, मैं लंबुशाणा हूँ, मॉन्स्टर रिसर्च सेंटर में काम करता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि राजकुमारी को ढूंढने में क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, तुम जा सकते हो। सचमुच? क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारी बेटी को उस मॉन्स्टर से बचा सकते हो? जी बिल्कुल महाराज, हम मॉन्स्टर्स पकड़ने वाले हैं। बहुत अच्छा, मैं तुम पर भरोसा करूंगा। चिंता ना करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। माफ कीजिए महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ कि स्नो व्हाइट का कुछ दुश्मन है? नहीं, मेरी बेटी बहुत अच्छी और नेक दिल है, उसका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने सुना है कि तुम्हें सेब में जहर डालने का बड़ा शौक है और स्नो व्हाइट को सेब खाना बहुत पसंद है, कहीं तुम मेरी बेटी स्नो व्हाइट को मारना तो नहीं चाहती? जवाब दो। क्या कहा आपने? ये सब बकवास है, मैंने भले ही उसे जन्म ना दिया हो पर मैं उसे प्यार करती हूँ। पर मैंने ऐसा सुना है कि लोग कहते हैं कि आप उनकी सुंदरता से जलती हैं, इसलिए उनसे छुटकारा पाना चाहती हैं। बेबुनियाद आरोप है ये, मैं इसके लिए तुम पर मुकदमा कर सकती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें अंदर आने से मना किया था ना। मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था कि पीछे के पहियों को भी चमकाना है क्या? गट्टू। पापा, पापा, पापा। अरे बॉस, 10,000 रुपए का लॉस हो गया। अजीब से जड़ी बूटियों की बात आ रही है। तुम ठीक हो ना बेटी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। पापा, मैं ठीक हूँ पापा, मॉन्स्टर से मुझे इसने बचाया। महाराज की जय हो। महाराज, मैं मून लेक के व्हाइट का दरबारी हूँ। व्हाइट बैट का दरबारी? शुक्रिया, मेरी बेटी को बचाने के लिए मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। शुक्रिया महाराज, महाराज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपकी बेटी स्नो व्हाइट से शादी करना चाहता हूँ।
क्या कहा, क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? जी हाँ, ये रहा चेक जिसमें 100 सोने के अंडे लिखे हैं और ये है मेरी दुल्हन बनने की कीमत। सोने के अंडे हैं? हाँ, मुझे लगता है इसने कोई मुर्गी चुराई है। कैसा दरबारी है ये? हाँ, बहुत अच्छे। तुम अमीर और अच्छे खानदान के लग रहे हो और तुम सारे मॉन्स्टर को हरा भी सकते हो। बहुत बढ़िया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। हाँ? ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें सूंघ रहा हूँ और तुम्हारे अंदर से जड़ी बूटी की खुशबू आ रही है। बेवकूफ कहीं के, मैं दरबारी हूँ, यहाँ पर जड़ी बूटी की सुगंध कैसे आ सकती है भला? हाँ, ये देखो तुम्हारे हाथ में ऐसे निशान है। दरबारियों के हाथ में ऐसे निशान थोड़ी होते हैं। वाह, तुम्हारे चश्मे तो बहुत अच्छे हैं, क्या मैं देख सकता हूँ इसे? ओ, तुम तो वो हर्बल जड़ी बूटी बेचने वाले हो, कोई दरबारी नहीं हो तुम। तुमने मेरे केक किराए पर पानी फेर दिया। ओ, तो तुम बैट मॉन्स्टर हो? आप लोग चिंता ना करें, मैं हूँ यहाँ पर। सुनो वाइट, कोई बचाओ उसे। कोई नहीं रोक सकता। देखो घने से इस जंगल में बारिश की बूंदे रिमझिम गाए, नदियाँ गाए बारिश के संग, धुन ये प्यारी सी हम गुनगुनाए। तारे बादल को कर कुकुती, हम सबके दिल को ये छू जाए, फूलों से है महकी ये मन, धुन ये महकी सी हम गुनगुनाए। हम गाए मीठी सी धुन, हाथों में हम हाथ लिए, हम हो और हो हमारे साथ, हो ए क्रिसमस ट्री।